हैदराबाद में बीजेपी की जानिब से एहतजाज करते हुए एक रैली निकाली गई और धरना दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत पेट्रोल और डीजल में वैट पर कमी नहीं कर रही है, जबकि मरकजी और बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में वैट पर कमी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है। युवा मोर्चा ने ऐलान किया कि अगर वैट में कमी नहीं हुई तो रियासत में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। मोर्चा नेशनल ट्रेजरर टाइगर टी सायन्ना हमारे बीच में गोलकुंडा जिला युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि सरकार जिस तरह से वैट को लेकर तेलंगाना की सरकार चोरी का काम कर रही है और केंद्र की सरकार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनता के हित में जनता को जनार्दन समझकर पेट्रोल और डीजल पे पैसे कम करे, लेकिन अब तक तेलंगाना के सरकार तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी तक वैट की कमी को कमी नहीं करे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को यह सवाल है भारतीय जनता युवा मोर्चा का, क्या पेट्रोल और डीजल के ये चोरी जनता के पैसों के लिए की जा रही है? क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री जनता के हित के बारे में सोच रही नहीं है? क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री जनता के इन पैसों का चोरी का गलत इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए कर रहे हैं? यह सवाल भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रहा है। तेलंगाना के जिले मोगुलू में रियासती वजीर सत्यावती राठौर की जानिब से आलमी योम एड्स के मौके पर एड्स की बीदारी के लिए एक रैली निकाली गई। उन्होंने रैली से खिताब करते हुए कहा कि एड्स की बीमारी के लिए तमाम अफराद मिलजुल कर काम करें और आवाम को इस बारे में बेदार करें ताकि इस बीमारी का खात्मा हो सके। तेलुगु फिल्म